अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पर वेलकम है। मैं आज आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि क्या उनके पर्सन उनको रीच आउट करेंगे, या उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इसमें, या वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। कीप इन माइंड, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, वरना आपने इसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। आपके सामने दो डेक अवेलेबल है, डेक नंबर 1, डेक नंबर 2। आपने करना क्या है, अपनी आइज़ क्लोज करनी है और जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उसका चेहरा आप अपने माइंड में लेके आइए, और जिसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं आपने वो वाली पाइल सेलेक्ट कर लेनी है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए। हम चलते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला डेक सेलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, फील क्या कर रहे हैं आपके बारे में, सोच क्या रहे हैं आपके बारे में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। बॉटम ऑफ द डेक निकल के आया है स्ट्रेंथ। आपके पर्सन ने शायद आपसे अपनी एनर्जी जो है इस वक्त वापस ले ली है। आपके पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, वो जो है आपके पास आने से अपने आप को रोक रहे हैं। आपके पर्सन जो है लियो हो सकते हैं, और बाकी कार्ड देख के बताती हूँ कि और इसका क्या मीनिंग्स निकल के आई हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। अच्छा, आप शायद मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है मैरिड हो सकते हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो आपके पर्सन वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है। मैं यहाँ पे दोनों सिनेरियो बताऊँगी आपको। और अगर मैरिड नहीं है तो आपके पर्सन अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। हो सकता है आपके पर्सन जो है आपके कोवर्कर रहे हों, आपके पर्सन जो है आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन कायम करना चाहते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल से। ये इंसान आपको लेकर साथ में अपने चलना चाहता है, चाहे वो वर्क सिचुएशन हो, चाहे वो इनका घर हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो, जहाँ भी हो आप लोग, ऐसे हो सकता है आप लोग ऐसी जगह पे मिले हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं काम करते हो इकट्ठे। आपके पर्सन पास में जो थे वो अनडिसाइसिव थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो क्रॉस रोड पर खड़े हुए थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है उनको, अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। अगर वो आपके पास आते थे तो उनकी फैमिली लाइफ जो है, फैमिली मेम्बर्स जो थे, शायद वो आपसे उनसे जो है नाराज़ हो जाते, या उनको छोड़ देते, या तो कुछ हो जाता, या इनके लड़ाई झगड़े, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो जाते आपके पर्सन के। लेकिन आपके पर्सन जो है अब आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन कायम करना चाहते हैं, साथ में आपके वर्क करना चाहते हैं, इकट्ठे काम करना चाहते हैं, आपको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो। आपके पर्सन जो है आपको बचपन से जानते हो, आप दोनों एक दूसरे को कज़न भी हो सकते हैं आप लोग। ये पर्सन पुरानी बातों को याद कर रहा है और आपके पास वापस आना चाहता है। एट ऑफ वॉन्स भी ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं तो वो ट्रैवल करके आपके पास मिलना चाहता है, वो आपके पास आना चाहता है। ये इंसान आपकी तरफ एक स्टेप लेना चाहता है, आपकी तरफ कम्युनिकेट करना चाहता है। हमारा तो टॉपिक ही यही था कि क्या आप नो कॉन्टैक्ट में जो लोग थे, क्या आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे? जी, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है आपसे दूरी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर वर्क की सिचुएशन हो सकती है, इसके ऊपर इसकी पढ़ाई, कुछ भी जो भी सिचुएशन है इनकी। तो ये इंसान वो एक तरफ रख कर आपकी तरफ स्टेप लेना चाहता है, आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहता है, आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू साइड्स दिखाना चाहता है ये इंसान। हो सकता है आप जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब हो सकती है आपकी, आप जो है अपने ऊपर फोकस किया, आपने सेल्फ लव किया, आपके पर्सन ये चीज़ देख के ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। अब ये इंसान को इसलिए, ये देखिए यहाँ पे ये निकल के ही आ गई है,
क्वीन ऑफ वॉन्स, आप यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स में रिप्रेजेंट हो रही हैं, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है, ये इंसान जो है आपकी तरफ एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहता है, ये देखता है कि आप जो है अपने पावर में अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं और किसी को एंटरटेन करा नहीं करा रहे, आपका अपना सारा फोकस अपने कैरियर पे है, अपने लुक्स पे है, अपने बिजनेस पे है, आप जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब ये इंसान जो है इसलिए ये स्ट्रेंथ जो है अब ये और मज़ीद अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, चाह रहा है कि ये एक तरफ रख कर आपकी तरफ कोई एक्शन ले, ये इंसान आपसे कमिटेड होना चाहता है, ये इंसान जो है आपके ही लेवल का है, यानी कि ये इस इंसान की अच्छी जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, अपना बिजनेस हो सकता है, शॉप वगैरह कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। अच्छा है, जो भी है अच्छे है, वेल ऑफ है आपके पर्सन, वो आपको भी इसी तरह देखते हैं कि आप जो है अपने पावर में बैठी हुई है और आप अपने पर्सन को जो है एंटरटेन नहीं करा रही, किसी को भी एंटरटेन नहीं करा रही, और यही चीज़ इंसान को जो है दुख दे रही है कि आपने इसको अपने इमोशंस जाहिर करना बंद कर दिए हैं। इसे पता है कि आपके बहुत ज़्यादा सूटर्स हैं, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इसे लगता है कि आपके और अपने रिश्ते में जो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डेट का कार्ड जब भी आता है तो रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होती है, एक रीबर्थ होती है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन हील होकर आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि आप अपने पर्सन की जो है विश फुलफिलमेंट है। तो जो हमारा टॉपिक था कि क्या आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, जी आपके पर्सन बिल्कुल आपको रीच आउट करेंगे। कुछ रोमांस कार्ड देख लेते हैं कि इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। ये पाइल नंबर वन जिन्होंने सेलेक्ट की है, बहुत अच्छी रीडिंग थी पाइल नंबर वन। आपके पर्सन आपसे ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, अगर कुछ भी डिफरेंस है आप दोनों के बीच में तो ये उस चीज़ को नहीं मानते, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक शुरुआत हो, क्योंकि आप अपने इंसान की जो है आप अपने बंदे की या बंदी की जो भी है, देखें ये निकल के आ गया, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये इंसान एक चांस और चाहता है आपके साथ कि इसको आप एक दफ़ा इस रिलेशनशिप में एक चांस और दें। इसने पास में आपको डिसेप्शन दिया, धोखा दिया, चीटिंग की, जो भी इसने आपके साथ किया, लेकिन अब ये इंसान रिग्रेट कर रहा है, अब ये इंसान जो है चाहता है कि आपको ये अपना जो मास्क है ये उतार के अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाए, यहाँ पे मुझे यही मिला। और हो सकता है किसी किसी के पर्सन आएंगे तो अभी भी उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, अभी भी वो उनको डिसेप्शन दे के आए जाएंगे, जब तक ये इंसान आपको क्लैरिटी ना दे दे तब तक आप इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करिएगा। इस इंसान के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ये इंसान जो कि डे बाई डे डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, ये इंसान ने अगर आपको अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है तो ये इंसान बहुत जल्द अपना प्यार जो है एक्सप्रेस करेगा आपसे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं रीडिंग में, बाय। हाय पाइल नंबर टू जिन्होंने ये वाला डेक सेलेक्ट किया था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे देखते हैं, नो बातचीत, आपके पर्सन जो हैं आपको उससे कम्युनिकेट करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे या नहीं। एट ऑफ वॉन्स का कार्ड निकल के आया है तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाली है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हो, आप लोग एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू मिले हों, या जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन वर्क के सिलसिले में दूर रहते हों, लेकिन आपके पर्सन आपसे ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स जो है वो बताना चाहते हैं। ये इंसान जो है पहले नाइट था, नाइट ऑफ वॉन्स, यानी कि आपकी लाइफ से इग्नोर आउट रहता था और आप एज अ क्वीन थी, आपने इसका वेट किया, लेकिन अब जो है आपने इससे शायद मूव ऑन करना बेहतर समझा, तब ये इंसान को इस इंसान की रात की नींदें उड़ गई, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है डिप्रेशन में चला गया, एंजाइटी में चला गया। प्लीज पाइल नंबर टू जिन्होंने सेलेक्ट की है क्लियर मैसेज दीजिए। काफी ज्यादा कार्ड आ गए, किंग ऑफ वॉन्स, आपके पर्सन जो है हो सकता है इनका सारा फोकस अपने जो है कारोबार पे है या जो भी बिजनेस ये कर रहे हैं अपने वर्क पे है, ये इंसान गोल ओरिएंटेड होता है किंग ऑफ वॉन्स, लेकिन बहुत ज्यादा पैशनेट होता है, जब ये एक्शन लेना चाहता है तो ये किसी की भी नहीं सुनता। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये इंसान दूर से बैठ के आपको वॉच कर रहा है, आपकी हर एक चीज़ पे इसकी नज़र है कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, ये इंसान सब जानता है और ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन आपको दिखाता ये है कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। हो सकता है पास्ट में इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहा हो आपसे, देखें सेल्फिश बोलो और निकल के एम्परर आ गया,
काफ़ी ढीठ और ज़िद्दी किस्म का इंसान है जो भी है। एम्परर 3 of Cups, 7 of Cups, 4 of Cups, हाई प्रेस्टिस 9 of Wands और 4 of Swords। आपके पर्सन का साइन यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे हैवी जो आया है वो आया है एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एरिस, लियो, सैजिटेरियस किंग ऑफ वॉन्स और 9 of Wands, पाइसिस है आपके पर्सन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हैं। तो आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा ही ईगोस्टिक इंसान है। हो सकता है आपके पर्सन की गवर्नमेंट जॉब हो, अगर जो मैं फीमेल देख रही है मेल के लिए, बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाला, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का गुस्सेल इंसान मुझे ये नज़र आ रहा है। और आपके साथ इसका जो बिहेवियर होगा वो गुस्सेल होगा, और जो ये जब दूसरों से बात करते होंगे तो ये किंग ऑफ वॉन्स बन जाते होंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करने वाले। लेकिन आपके साथ जो है इस इंसान का ये है कि आपको ये एम्परर आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये इंसान, ये जो भी है, या इसने कंट्रोल करने की कोशिश भी आपको की होगी। 3 of Cups, ये इंसान आपसे रीयूनियन चाहता है, ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है। लेकिन 7 of Cups, इसे समझ नहीं आ रहा, इसे पता नहीं चल रहा कि क्या करे। हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हों, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स जो है बहुत ज़्यादा जोली माइंड पर्सन होता है, हर किसी के साथ गो गेटर टाइप का पर्सन, बात कर ली, कम्युनिकेट कर लिया, हुकअप कर लिया, इस टाइप की एनर्जी होती है किंग ऑफ वॉन्स की। हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको कोई ऐसी ऑफर दी हो जो आपने रिजेक्ट कर दी हो, वो ऑफ़र आप लेना नहीं चाहते हो। आपके पर्सन खाली आपको जो है ऐसी ऑफर दे रहे थे जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, या आपने अपने पर्सन को अपना कप ऑफ लव ऑफर किया था, आपके पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया था। यह मिस अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, यहाँ ने किसी को तो रिजेक्ट किया था। आपकी इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो कह रही है इस सिचुएशन के बारे में कि आपके पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप, हो सकता है बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग करते हो, सुनते हो, करवाते हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आप लोग हीलर हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये पर्सन वापस आएगा तो आएगा ये पर्सन वापस, अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि मेरा पर्सन वापस नहीं आएगा तो नहीं आएगा। एक सिनेरियो तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आया, और दूसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये नज़र आया है कि आपके पर्सन के पास जो है चॉइसेस है, 7 of Cups है। आपके पर्सन के पास चॉइसेस है, ये इंसान जो है हो सकता है कोई एक ऐसी लेडी है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है, जो कंट्रोल करती है आपके पर्सन, क्योंकि एम्परर का कार्ड है। एम्परर एक ऐसे पर्सन को बताता है जो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, और किंग ऑफ वॉन्स भी ऐसे ही पर्सन को बताता है। अब आप लोग देख लीजिए आपसे कौन सा सिनेरियो पिक हो रहा हो, आपसे रेजोनेट हो रहा है। तो अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई और सिचुएशन है तो आपके पर्सन आपकी तरफ आने में इसलिए डर रहे हैं, इन्हें लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो इनकी लाइफ में जो सेकंड ऑप्शंस हैं, जो जहाँ पे ये मैरिड हैं, जहाँ पे इनकी फैमिली है, वो जो है मदर इशू भी हो सकता है यहाँ पे, तो वो नाराज़ हो जाएंगी, वो जो है इनके पास से चली जाएंगी या वो इनसे दूर हो जाएंगी, ये सोच के इस इंसान की रात की नींदें उड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में ये इंसान, और ये आपकी भी एनर्जी है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों को कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं आप दोनों के बीच में जो आप लोग एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाते हैं। आप भी अपने पर्सन को लेके गार्डेड हो जाती हैं, आपके पर्सन भी आपको लेके गार्डेड हो जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर नज़र रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। आप दोनों इस तरह से एक दूसरे पर नज़र रखते हैं, और एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। दोनों ही सो रहे हैं, स्लीपिंग नाइट, दोनों ही सो रहे हैं। आप एक्शन लेता हुआ मुझे यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे? देखिए, मैं अगर 50% चांस लगता है कि आपका पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रीडिंग ख़त्म हुई है वो ख़त्म हुई है 4 of Swords पे, क्योंकि 4 of Swords का कार्ड जब आता है ये ब्रेक का कार्ड होता है। जब आपके पर्सन का ब्रेक ख़त्म हो जाएगा, इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है, तो ये इंसान आपको रीच आउट कर देगा। इतनी जल्दी ये इंसान आपको रीच आउट करने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, लेकिन एक्शन लेता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। गार्डेड चाहता है, पूरी तरह चाहता है कि आप इसकी लाइफ में आ जाए, गिव अप करना नहीं चाहता ये इंसान आपके ऊपर, लेकिन जो है कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों किसी के करीब नहीं आ पाते। पाइल 2 के लिए सिचुएशन जो है 50-50 है, कन्फर्म नहीं हुआ है यहाँ पे। अब इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए।
ये जैसे ही ब्रेक से निकलेंगे इनको समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, तब ये इंसान आपकी तरफ जो है वो एक्शन लेंगे। और ये 1 वीक की एनर्जी होती है, 1 वीक के बाद दोबारा से देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी निकल के आई है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। इस बंदे ने तो आपसे अपना प्यार भी एक्सप्रेस नहीं किया है सही से, अब ये इंसान आपकी तरफ आएगा तो अपना जो है प्यार वो है जो है एक्सप्रेस करेगा। आप लोग पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, अगर आप लोग रेजोनेट ड्रॉन हो रहे थे पाइल नंबर 1 पे भी ये कार्ड निकल के आया था, तो मैं इसलिए कह रही हूँ अगर आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। डिसेप्शन, इस इंसान ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, आपको डिसेप्शन दिया, थर्ड पार्टी में पुट किया, आपको धोखा दिया, और आपकी हालत ये हो गई कि डे एंड नाइट आपने इस इंसान के बारे में सोचा, सोच सोच के अपने आप को बीमार कर लिया। आप दोनों जो एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप दोनों का अगर आप बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ पे, तो आपका ये जो है काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है। न्यू लव, आपकी ज़िंदगी में न्यू पर्सन आने वाला है, अगर आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो कि आपको अपना प्यार भी एक्सप्रेस करेगा, आपको कमिटमेंट भी देगा, आपसे शादी भी करेगा, एफर्ट भी लगाएगा इस रिश्ते में, और हो सकता है जब आप इनका वेट कर लें या इनका आप सही से इंतज़ार कर लें, तो हो सकता है यही पर्सन आपकी लाइफ में न्यू लव लेके आ जाए। एक कार्ड और निकालते हैं। ये इंसान चांस लेना चाहेगा आपकी तरफ एक दफ़ा, अगर आपका आपकी मर्ज़ी है, आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आप जो दिल चाहे करें, अगर ये इंसान आपके साथ सीरियस कमिटमेंट लेकर आए तभी आप इस इंसान को अपनी लाइफ में आने दीजिएगा, वरना मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगी कि आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लें आँखें बंद करके। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, अगर पाइल नंबर 2 की रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं रीडिंग में, बाय।